तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इंटू डीएक्स और लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 से 3 तक के बीच में। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है बताता हूं आपको। एक्स तो ठीक है बट यहां पर जो ब्रैकेट एक्स लिखा हुआ है ना, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां पर मैक्सिमम बच्चों को डाउट होता है कि इस ब्रैकेट एक्स की जगह हम क्या लिखें। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना, कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, हमारे पास लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 3, और इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं? एक तो 1 आता है और एक 2 आता है। मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से 3। ठीक है, पहले ऐसा काम करते हैं हम लोग, 0 से 1 एक्स जी आई एफ एक्स डी एक्स, इसके बाद प्लस सेकेंड पार्ट क्या है, 1 से 2, तो लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, एक्स इंटू जी आई एफ एक्स डी एक्स, एंड लास्ट पार्ट क्या है बच्चों, 2 से 3, लिखो लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, और यहां पर एक्स इंटू जी आई एफ एक्स डी एक्स। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी मैं आपको देता हूं। यहां तक आपको ठीक से आ गया? आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, पहले इसको डिफाइन करते हैं। जी आई एफ एक्स अगर मैं बोलूं 0 से 1 के बीच में, तो 1 से छोटा कौन सा ऐसा इंटीजर है? दैट इज 0 है ना। 0 से 1 के बीच में, ध्यान से देखो, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट ग्रेटर देन एक्स, मतलब 1 से बड़ा नहीं चाहिए, 1 से छोटा चाहिए, तो 0 होगा। मतलब यहां पर हम लोग 0 रख देंगे। बढ़िया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, उसी तरीके से 1 से 2 के बीच में 2 से छोटा कौन सा बड़ा इंटीजर है? दैट इज 1। तो यहां पर बेटा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 1 लिख देते हैं। आगे चलते हैं, 2 से 3, 2 से 3 के बीच में क्या लेंगे हम लोग? 2 लेंगे, तो यहां पर लिखते हैं हम लोग 2। अब आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, 3 पार्ट्स हमारे पास हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखो 0 इंटू एक्स, तो फर्स्ट पार्ट तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ इन 2 पार्ट्स को करना है, ये 1 इंटू एक्स मतलब एक्स ही है, एंड सेकेंड पार्ट क्या है, 2x, बस इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स डालेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं यहां से, एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, x² / 2, अपर लिमिट डालेंगे 2, लोअर लिमिट डालेंगे 1। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस यहां पर देखो 2x का इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू x² / 2, यानी कि x² और यहां पर अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2 डाल देंगे। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ध्यान से देखना, मैं यहां पर कर देता हूं, पहले डालेंगे 2, यानी कि 2² / 2 माइनस, अब डालेंगे 1, यानी कि 1² / 2, एक पार्ट मैंने कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं, पहले डालना है 3, यानी कि 3² माइनस, फिर डालना है 2, यानी कि 2² ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। 2² मतलब 4, 4/2 मतलब 2 हो गया, 2 - 1/2 प्लस 3² 9 हो गया, एंड 2² फिर से 4 हो गया। इतना ठीक से आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 + 2 11, 11 - 4 कितना होता है, 7 होता है, 7 - 1/2। बहुत ध्यान से को, हम एलसीएम लेते हैं, 2 7 = 14, 14 - 1 = 13, सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 13/2। आई होप आपको सारे स्टेप अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।